नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देश्या। यूपी के जनपद हापुड़ में एसपी दीपक भोकर की नई पहल देखने को मिली है, जहां एसपी दीपक भोकर ने मिशन नन्हे फरिश्ते की शुरुआत करते हुए बाल मित्र पुलिस स्टेशन की छात्रा दीपसिका से उद्घाटन करवाया, जिसमें फरियाद लेकर आने वाली महिलाओं के बच्चों को रखा जाएगा, फिर महिलाओं की शिकायत को सुना जाएगा ताकि महिलाओं को किसी प्रकार से कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही बाल मित्र पुलिस स्टेशन में बच्चों के खेलने के लिए खेल खिलौने, पढ़ने के लिए किताबें और चित्र, एक LCD भी लगी हुई है। जानकारी के अनुसार यूपी के जनपद हापुड़ की नगर कोतवाली एकमात्र ऐसी कोतवाली है जिसमें मिशन नन्हे फरिश्ते के अंतर्गत बाल मित्र पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन करने के बाद छात्रा और अन्य छात्र काफी खुश नजर आए। इस पुलिस स्टेशन का उद्देश्य है जो भी महिला थाने में अपने बच्चों को साथ लेकर फरियाद करने के लिए आती है या फिर अन्य किसी मामले में शिकायत करने के लिए आती है, तो उनके बच्चों को इस बाल मित्र पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा। वहीं बच्चों की देखरेख महिला पुलिसकर्मी करेंगी, जिससे कि अपनी फरियाद बताते समय महिलाओं को किसी प्रकार की कोई डर ना रहे और ना ही उनके बच्चे पुलिस से डरे। मेरा नाम दीपसिका है, हम यहाँ पे काल विकाल में आए हैं। यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि हमें पुलिस जो है हमसे नहीं डरना चाहिए। हमें अपनी जो सारी जो है हमारे जो घर में कुछ गलत काम हो रहे हैं या किसी को कुछ महिला को कुछ कर दिया है, तो हमें पुलिस स्टेशन में आके हर चीज़ को उनके लिए बता देना है। आपने पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कराया, तो कैसा लग रहा है आपको? आज मैंने यहाँ पे उद्घाटन कराया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उद्घाटन करने का इस अवसर मौका मिला है। मुझे आज के इस प्रोग्राम के बारे में देखिए, ये हापुड़ पुलिस के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है नन्हे फरिश्ते। इसमें हमारे जो छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं उनका एक तो हम पुलिस स्टेशन पे विजिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो पुलिस स्टेशन के बारे में जानेंगे, एक लर्निंग एस्पेक्ट इसमें होता है, लीगल जो लॉज हैं उनके बारे में वो जानेंगे। बाकी एक हमने यहाँ पे एक जो बाल मित्र जो रूम है उसका भी इनॉग्रेशन यहाँ पे किया है। इस रूम में जब भी कोई पीड़ित महिला आती है, उनके साथ छोटे बच्चे रहते हैं, तो जब भी वो आते हैं अपनी कंप्लेंट देते हैं तो कुछ टाइम पुलिस स्टेशन में वो बिताते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो इस रूम में रुक सकते हैं। यहाँ पे उनकी प्रॉपर केयरिंग के लिए एक साथ में महिला भी रहेंगी और वो उन बच्चों को एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा पुलिस स्टेशन का। उनको यहाँ पे अटेंड करने के लिए भी लोग रहेंगे ताकि उनकी जो भी उनके जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनको कोई समस्या इस प्रकार की ना हो। और जो महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में काम करती है उनके भी छोटे बच्चे होते हैं, तो ये जो एज ए क्रेच भी काम करेगा, जो उनके साथ छोटे बच्चे रहते हैं उनको इस पर्टिकुलर रूम में वो रख सकते हैं जब तक वो पुलिस स्टेशन में काम कर रही हैं। उनको अटेंड करने के लिए यहाँ पे हम एक अटेंडेंट की भी व्यवस्था करेंगे। अन्य स्थान पुलिस स्टेशन में भी इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी? हाँ, ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा कि जो गढ़ थाना है उस पर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ टाइम में बाबूगढ़ थाना है, बाकी अन्य थानों में भी हम रूम चिन्हित करके और उसमें भी ऐसे रूम्स की व्यवस्था करेंगे। और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लगातार विजिट्स हम पुलिस स्टेशन की ऑर्गेनाइज करेंगे।